मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित आरंस इंटरनेशनल स्कूल में ब्रास सिटी सहोदय कॉम्प्लेक्स मुरादाबाद ने संयुक्त रूप से इंग्लिश डे एवं पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में एक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन हिमांशु गर्ग एवं मुख्य अतिथि पंकज गुप्ता, सचिव नॉसगे पब्लिक स्कूल, विशिष्ट अतिथि पीएमएस स्कूल के प्रधानाचार्य मैथ्यू पी एलन चरिल ने एवं आरंस इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन तथा गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर एवं प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा ने पौधा भेंट कर विशिष्ट अतिथियों एवं विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों का स्वागत किया। वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रारंभ एवं अंत में अनेक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें विद्यालय की कक्षा 2 व 3 के छात्र छात्राओं वैष्णवी, शिवन्या, युवराज, आराध्या द्वारा एक आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके उपरांत कक्षा 10 की छात्राओं ने शेक्सपियर के चरित्र को जीवंत रूप से रंगमंच पर उतारा। अगेंस्ट द मोशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द डिबेट, एडमिशन टू कॉलेजेस थ्रू यूसीयूईटी इज नॉट अ गुड मूव एंड आई स्टैंड हियर फर्मली टू स्पीक अगेंस्ट इट। इट्स द रिजल्ट्स आर आउट। Every exam season, this phrase can be singularly responsible for hope, despair, dread, or celebration among the students. It determines whether one parents will call their neighbors to boast about their child's success or turn off their phones and avoid social contact. And as for the result, it offers hope for a bright future. Education system in India is oriented around preparing students for entrance examinations, which in turn sustains an industry of test coaching centers. Education system in India is geared around preparing students for entrance exams because the entrance exams of top universities in India focus mainly on testing knowledge. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाद विवाद प्रतियोगिता रही, जिसका विषय था स्नातक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन एक सकारात्मक पहल। इसके पक्ष एवं विपक्ष में छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में शहर के 15 प्रतिष्ठित विद्यालयों के 30 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में डॉक्टर पूजन प्रसाद, विभागाध्यक्ष हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, एवं शुभम चैटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष केजीके पीजी कॉलेज मुरादाबाद रहे। कार्यक्रम के समापन से पूर्व सम्मानित निर्णायकों के द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया तथा प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर यशस्वी सिंह शिरडी साई पब्लिक स्कूल, द्वितीय स्थान पर पर्व शर्मा गोल्डन गेट ग्लोबल पब्लिक स्कूल तथा तृतीय स्थान पर हाजरा सैयद एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल रही। विजयी प्रतिभागियों को पंकज गुप्ता, सचिव नॉसगे पब्लिक स्कूल, पीएमएस विद्यालय के प्रधानाचार्य मैथ्यू पीएलएन चैनल एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार झा ने संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त विद्यालयों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका रूना राय, संचालक मीना सिंह एवं ज्योत्सना तिवारी, विद्यालय इंचार्ज डॉक्टर मंजू सिंह, शालिनी टंडन, शिल्पी बंसल, शिखा भटनागर, शालिनी शर्मा, शिखा वर्मा, कबीर विकास आदि का मुख्य योगदान रहा। ये आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट हमने होल्ड किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल इंग्लिश डे, शेक्सपियर्स बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी। वी आर ट्राइंग एक्चुअली टू वर्क ऑन द ओरेटोरल स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स टू अलाउ देम टू बी गुड स्पीकर्स एंड इट इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंड William Shakespeare. Main purpose kya raha? The purpose of this event is celebrating Shakespeare. He is the greatest dramatist and the lyricist, the poet of all times. And to pay him a tribute, there couldn't have been a better way. The children of all the schools have gathered together and admission to colleges through CUET is a good move. This is the topic and the debate is being held on this.